उत्तराखंड राज्य आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। कचेरी स्थित शहीद स्मारक में आज राज्य आंदोलनकारियों ने पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज प्रदेश राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरा है। आज हम विकास के हर पहलू को छू रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों की हर मांगों का ख्याल रखा जा रहा है। शहीदों के सभी आंदोलनकारियों के सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दें, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की 10% क्षैतिज आरक्षण पर भी जल्द मोहर लग जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलनकारी के हक में सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य का 23वां स्थापना दिवस सबके लिए सौभाग्य की बात है। देश की राष्ट्रपति मोदी हमारे मध्य हैं और इन आंदोलनकारियों के कुर्बानी से राज्य प्राप्त हुआ है। आज हम सब लोग उनका स्मरण भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी कर रहे हैं। जो सपने राज्य के निर्माण के समय देखे गए थे, उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं आज अपनी ओर से सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि करता हूँ। इस विश्वास के साथ कि हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत विकास करना है और जो क्षेत्र छूट गए जैसे कहता राज्य निर्माण होता उन क्षेत्रों में सब विषयों पर आगे बढ़ेंगे। महसूस